जय श्री कृष्ण दोस्तों, लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने 2023 में लोहड़ी का सेलिब्रेशन घर पर ही बहुत सरल और साधारण तरीके से कैसे किया। तो सबसे पहले मैं कर आ रही हूँ आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन। इन्होंने आज नई पोशाक धारण करी है, और ये पोशाक जो है ये घर पर ही बनाई गई है। ये मेरी मम्मी ने बनाई है, वूलन पोशाक है ये लड्डू गोपाल जी के लिए, रेड एंड वाइट कलर की। बाकी इनकी जो ज्वेलरी है वो सब पुरानी है, लेकिन लोहड़ी पर इनकी ड्रेस जो है वो नई है। और ये गणेश भगवान जी यहाँ पर बैठे हैं, तो इनको भी हमने वूलन कपड़े ही पहनाए हैं। और चलिए मैं साथ में आपको पूरे मंदिर के ही दर्शन करा देती हूँ। तो ये मेरे सभी भगवान जी हैं जिनके आपने पहले वीडियोज़ में भी दर्शन किए थे। और यहाँ इस ओर जो है हमारी झंडे वाली माँ है, जो कि दिल्ली में प्रसिद्ध मंदिर है। और ये हमारी शेरा वाली माता रानी माँ दुर्गा है हमारी। तो अब सुबह सुबह बन रहा है नाश्ता लोहड़ी वाले दिन। तो ये मिस्सी रोटी या परांठा कह सकते हैं, बेसन का परांठा भी इसे कहते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगेगा क्योंकि इसमें प्याज वगैरह है। तो उनके लिए लोहड़ी पर सुबह नाश्ते में हम पोहा बनाएंगे, और बाकी सबके लिए परांठे बन रहे हैं। और लोहड़ी स्पेशल जो है वो साग होता है। तो देखिए, साग जो है वो उबलना रखा जा चुका है, और सुबह की पहली चाय बन रही है। बहुत ही टेस्टी परांठे बन रहे हैं यहाँ पर, और चाय बन रही है। और देखिए, थोड़ा सा दोपहर का समय हो गया है, और हमारे यहाँ लोहड़ी पर खीर भी बनती है। तो खीर जो है उसका भोग लोहड़ी की जो अग्नि होती है उसमें डाला जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद पूरे परिवार में ये बांटा जाता है। ये देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए साग जो है वो तैयार हो गया है। जो लड्डू गोपाल जी के लिए हमने साग यहाँ पर परोसा है उनको, उसमें प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं है। और बाकी सबके लिए उसमें जैसे प्याज लहसुन वगैरह का तड़का लगता है साग में, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल सात्विक भोजन है, मक्की की रोटी और साग। क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये देखिए लोहड़ी पर स्पेशल जो घर में खाना बनता है वो खाना हमने घर पर बनाया है। और इसके बाद हम खीर का भोग लगाएंगे। तो शाम का समय है ये, और इस समय हम लड्डू गोपाल जी को जो चावलों की खीर है उसका भोग, और यहाँ पर रेवड़ी मूंगफली वगैरह सारी चीज़ें हमने लड्डू गोपाल जी के आगे रखी है कि वो जो चाहें जितना चाहें उन्हीं का है सब। तो वो अपने अनुसार इसका भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको जो है हम पूरे परिवार में बांटेंगे, और बाकियों में भी बांटेंगे जो भी हमारे आसपास होंगे। और अब जो है हम लोहड़ी की अग्नि, देखिए यह हमारे घर की छोटी सी बालकनी है जहाँ पर हमने जो है लोहड़ी की अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित करी है, और लोहड़ी का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ जो है ना तीन परिक्रमा की जाती है, तो इस प्रकार से बारी बारी से हम सभी जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य ही हैं लड्डू गोपाल जी, तो उनसे भी हम परिक्रमा करवाते हैं। और लोहड़ी वाले दिन जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखिए, हवा से आपको अंदाज़ा लग ही रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी भी परिक्रमा करने आए हैं। और इस प्रकार से हमने 2023 की लोहड़ी की जो है ना सेलिब्रेशन करी है। कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।